अगर जिस बंदे को प्राइजेक्शन समझ आ गया ना तो वो जो है स्केल्पिंग को मास्टर कर सकता है इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा जब मार्केट पूरा ट्रेंडी होता है ना तो उसमें भी जो है हम कैसे स्केल्पिंग को पकड़ सकते हैं बीच बीच में छोटे छोटे स्केल्प को कर सकते हैं सो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई न्यू लाइफ स्केल्पिंग वीडियो कल मंडे था तो कल का जो है वेरीफाइड पैनल का लिंक मैंने डाल दिया कल वैसे बहुत छोटा मोटा स्कैल्प किया था ज्यादा नहीं किया था आ, रास्ते में ट्रैवल कर रहा था तो दो तीन स्कैल्प किए थे और सेटअप पे नहीं था इसलिए जो है कल की वीडियो नहीं आई थी तो डिस्क्रिप्शन में आप वेरीफाइड पैनल का लिंक देख लो वहां पर आपको दिख जाएगा कि मंडे को मेरे क्या ट्रेड्स थे तो आज जो है फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी और आज मैंने जो है फिन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेड किया है काफी अच्छा जो है आज आप देखोगे मार्केट में मोमेंटम रहा था मॉर्निंग में और पूरे दिन ही जो है मार्केट ट्रेंडिंग था अपसाइड में सो जब मार्केट ट्रेंडिंग

तब मैं यहाँ पर एंट्री ले लूँगा कॉल साइड में और यहाँ पर भी आप देखो बैंक निफ्टी का चार्ट मॉर्निंग में ऊपर गया अगेन सेलर्स आए नीचे ले जा रहे थे प्राइस को डे लो भी ब्रेक करवाया बट जो है सेलर इतने स्ट्रांग नहीं है कि प्राइस को पूरा नीचे पुश कर पाए इसलिए जो है बायर्स अगेन मार्केट में आ गए और वो ऊपर ले गए अब देखो यहाँ पे एक अच्छा पुल बैक चाहिए मुझे जब जैसी पुल बैक आता है मैं यहाँ पर इस में एंट्री ले लूँगा कैंडल बहुत अच्छी क्लोज़ है यहाँ पर भी मैं ले सकता हूँ पहले मैं ट्राई करता हूँ थोड़ी सी क्वानिटिटी लूँ बीस से मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ तीन सौ पच्चीस ओके तो मैंने तीन सौ चौबीस के आसपास एक ट्रेड ले लिया है पुल बैक पर और देखते हैं ये कहाँ तक जाता है अब प्राइज सेलिंग का ऑर्डर भी मैं लगा के रखता हूँ स्कैल्पिंग कर रहा हूँ तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस में निकाल दूंगा बिकॉज री एंट्री करना प्रेफर करता हूँ मैं बट स्टॉप लॉस बड़े नहीं दे सकता कि लास्ट स्विंग का ऐसा लगा लो उतना बड़ा स्टॉप लॉस का कोई लॉजिक ही नहीं बनता स्कैल्पिंग में तो ओके okay, सो so प्राइस हमारे साथ जा रहा है अब थोड़ा सा एक अच्छा स्पाइक आ जाए ना ऊपर की साइड तब मैं इसको एग्ज़िट कर दूंगा ओके okay, स्पाइक मुझे मिल चुका है मैं आप पे थोड़ी सी क्वांटिटी एग्जिट कर दी मैंने दो क्वांटिटी एग्ज़िट कर दी अभी भी दो लॉट मतलब बचे हुए हैं और प्रॉफिट आप देखो 1200 1300 कुछ चल रहा है अभी हमारा सो so, उसको थोड़ा सा और होल्ड कर सकते हैं अभी बिकॉज प्राइस अच्छा ही लग रहा है ऊपर जाने के लिए तो यहाँ पर आप देखो 1200 1300 ही चल रहा है Uh, जैसे थ्री फिफ्टी के आसपास जाएगा क्रॉस करेगा तब मैं इसको एग्ज़िट करना प्रेफर करूँगा ओके okay, थ्री फिफ्टी चला गया सो so, मैंने एग्ज़िट कर दिया आप देखो तेरह सौ रुपये का पहला हमारा प्रॉफिट हो चुका है फर्स्ट ट्रेड में अब हम ट्रेड करते हैं फिन निफ्टी में बिकॉज़ आज उसकी एक्सपायरी है तो वहाँ मूवमेंट अच्छी मिलेगी देखो बैंक निफ्टी में इतनी अच्छी मूवमेंट आएगी नहीं और प्राइस में जो है ना स्पाइक्स नहीं आ रहे स्पाइक मतलब तीन सौ तीस पर अगर ट्रेड लिया है तो चार सौ चले जाना चाहिए था अगर मोमेंटम अच्छा होता सो दस बीस दस बीस पॉइंट का ही मोमेंटम आ रहा है इसलिए जो है अब हम फिन निफ्टी में ट्रेड करेंगे ओके गई जहाँ पर मुझे अच्छा लग रहा है तो अब मैं इसको दोबारा उठाने जा रहा हूँ छोटा सा स्टॉप लॉस मैंने रखा हुआ है इस पॉइंट के नीचे वन थर्टी वन पर हल्का सा लेट हो गए बट कोई नहीं अभी इसको थोड़ा होल्ड करता है वरना स्टॉप लॉस दे देंगे वन ट्वेंटी टू पर है हमारा स्टॉप लॉस क्योंकि यहाँ पर जो है ना एक होल्ड कर गया कैंडल सो so देखो मूवमेंट आ रहा है थोड़ा सा होल्ड करते हैं इसको 150 तक भी जा सकता है वैसे तो मगर जो है अपना 10 या 20 परसेंट का टारगेट रहता है स्केल्पिंग में या स्पाइक में जितना मिले अभी आप देखो जो है कॉस्ट टू कॉस्ट पे चल रहा है ये वाला ट्रेड और सिर्फ सौ क्वान्टिटी मैंने इसकी बाय करी है तो आप देखो तेरह जस्ट मेरे एंटर हुए हैं इस ट्रेड में जी कैंडल अच्छी है इसके बाद निकलना तो चाहिए ऊपर स्पाइक में जाना बट मज़ा तब आता है और एक तो ना इसको जल्दी एग्जिट करना पड़ेगा बिकॉज ये नीचे से आप देखो सेवेंटी से कंटिन्यूस मूव में है अभी ठीक है सो so, कभी भी जो है एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दे सकते हैं प्रीमियम ओके okay, वन 143 वन वन थ्री इसको मैंने है एग्जिट कर दिया 140 पे ठीक है सो अभी जो है अपना टोटल प्रॉफिट बाईस सौ रुपये का हो चुका है और कैपिटल वही मैं अभी दस बीस हज़ार दस बीस हज़ार के पास यूज़ कर रहा हूँ इस वाली कैपिटल में तेरह हज़ार थी और उसका जो पिछला ट्रेड था उसमें भी जो है उन्नीस हज़ार मैंने यूज़ किया था बिकॉज कैंडल तो ये मेरे को बहुत अच्छी लग रही है जा सकता है ऊपर ठीक है तो चलो दो लॉट में अपन एंटर करते हैं इसमें छोटा सा स्टॉप लॉस लगा देंगे नीचे का इस कैंडल को जो है ग्रीन में टर्न होने दो फिर हम लेते हैं थोड़ा सा ऊपर जाए बस ये ग्रीन में हो जाए ओके इसमें मैंने एंट्री ले लिए इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस रखूँगा वन एट्टी पर ठीक है दो ही लॉट लिए हैं ज़्यादा क्योंकि ना कॉन्फिडेंस नहीं है यहाँ पर टॉप पर मेरे को फंसना भी नहीं है तो देखते हैं अभी क्या कहते हैं ट्वेंटी थ्री हंड्रेड तक जा सकता है या या रिवर्सल देगा यहीं से ओके गाइस स्टॉप लॉस हेट हो चुका है मैं एग्जिट कर दिया इस्ट्रेट में से बिकॉज uh, आप देखो सब अभी जो है सत्रह सौ अच्छा है मैंने क्वांटिटी कम ली थी वरना मेरा आधा प्रॉफिट चला जाता अभी जो है सिर्फ तीन सौ चार सौ रुपये कम हुआ है टोटल प्रॉफिट में से बट अभी जो है मार्केट होल्ड कर रहा है ठीक है इसके बाद अगर ऊपर जाता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा बट थोड़ी देर और वो होल्ड करे ना तब ज़्यादा मज़ा आएगा ओके ये बहुत अच्छी रिजेक्शन कैंडल आई है यहाँ पर एंट्री बनती है एक ठीक है थोड़ा वेट कर रहा हूँ मैं कैंडल बहुत अच्छी है रिवर्सल यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है ना अपना इसके नीचे हो जाएगा जस्ट वन एटी टू वन सेवेंटी सिक्स का स्टॉप लॉस हो जाएगा सो so, ट्राई करता हूँ मैं यहाँ पर अगेन एक ट्रेड लेने का क्योंकि अभी हल्का सा टारगेट ना बचा हुआ है फिर निफ्टी में जो है आपका तेईस हंड्रेड तक जा सकता है वहाँ तक का इसका ना वो टारगेट बचा हुआ है ट्वेंटी थ्री वन हंड्रेड का बट ये कैंडल रेड में क्लोज हो गई वरना मैं ले लेता ग्रीन में क्लोज होती ना ले लेता अगर ये कैंडल इसका हाई ब्रेक करती है तब मैं ले लूँगा नीचे का स्टॉप लॉस डाल के ट्रेडिंग को सिंपल रखना है जहाँ पे आपको दिख रहा है कि ट्रेड इसके ऊपर लेनी है तो उसके ऊपर लो और जहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ का स्टॉप लॉस है तो वहीं का स्टॉप लॉस में एग्जिट कर दो छोटे स्टॉप लॉसेज रखा है ठीक है एक कैंडल मिल गई या दो कैंडल मिल गई मेरी डायरेक्शन में तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली जो है मार्केट टेक केयर कर लेगा अभी देखो अभी भी जो है मुझे एंट्री पॉइंट नहीं मिला मेरा एंट्री पॉइंट होगा वन ठीक है वन एट्टी सिक्स के यहाँ पर जैसी मुझे दिखेगा मैं बाई का बटन दबा दूंगा ओके वन एट्टी सिक्स क्रॉस करा इसने ठीक है तो मैंने ट्रेड ले लिया है वन एटी फाइव पे एग्जीक्यूटिव है जो एस एल मेरा वन सेवेंटी सिक्स टेन पॉइंट का एस एल है सो so, हज़ार रुपये का रिस्क है बाकी देखते हैं अगर ये ट्रेड चलता है तो बहुत अच्छी कैंडल क्लोज़ हुई है ये इसके बाद निकलना चाहिए प्राइस को ऊपर होल्ड भी कर रहा है अच्छे से वेट करते हैं क्या होता है देखते हैं बट ये ना होल्ड प्राइस ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए चले जाना चाहिए जितनी देर रुक जाएगा उतना चांसेस बढ़ता रहेगा स्टॉप लॉस हिट होने का क्योंकि कॉल के प्राइजेज जो है ना बहुत इन्फ्लेटेड है बहुत बड़े हुए हैं और आज है एक्सपायरी सो हल्का से ही जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आएगा ना इतना बड़ा पुल बैक देने के बाद एक छोटी सी रेड कैंडल में प्रीमियम बहुत ज़्यादा रिवर्सल हो सकते हैं तो स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी रहते हैं और लग रहा है स्टॉप लॉस जाएगा ओके स्टॉप लॉस सेट कर दिया गया वन सेवेंटी देखो स्लिप पेज कितनी ज़्यादा हो गई वन सेवनटी सिक्स पे था वन सेवेंटी वन पे एग्जिट हुआ है सो so अभी जो है अपना प्रॉफिट भी जा चुका है थ्री एटी सिक्स रुपीज़ का बचा है तो कोई नहीं इसलिए देखो यहाँ पे ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि कॉल साइड पे एंट्री लूँ ओके अगेन एक जो है मुझे एंट्री पॉइंट मिल रहा है और यहाँ पे मैंने अगेन इसके नीचे का स्टॉप लॉस देखे वन सेवेंटी सिक्स वन सेवेंटी मतलब दोबारा से हज़ार रुपये का रिस्क है और अच्छी कैंडल थी रिजेक्शन आया था नीचे से सो so यहाँ पर जो है जिनके स्टॉप लॉस लगे थे ना तो उनके हिट हुए हैं इसलिए नीचे स्पाइक आया है बाकी दोबारा से होल्ड करते हैं स्ट्रेट को अब निकलता है तो 200 तक होल्ड करेंगे इसको भी और जो है 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है अपना इसमें भी तो अभी आप देखो दोबारा से जो है हज़ार प्रॉफिट हो चुका है तीन सौ का हो गया था हमारा इसमें तीन सौ रुपये आ गए थे हम सो अभी निकल रहे शायद येस अच्छा मूव आया काफ़ी एग्ज़िट के लिए भी रेडी रहते हैं अरे भाई मूव अच्छा है ठीक है दो लॉट यहाँ पर एग्ज़िट कर देते हैं पहले मार्केट पे ओके okay, दो लॉट एग्जिट कर दिए दो लॉट अभी भी मेरे होल्ड है आप देखो चौबीस सौ अट्ठाईस सौ प्रॉफिट अपना अगेन चल रहा है तीन हज़ार तीन हज़ार तीन सौ काफ़ी अच्छा मूव है सो so, एग्जिट ठीक है देखो इसी को कहते हैं डिस्क्रीपॉट ठीक है एक ट्रेड में मेरा मतलब दो बार मेरा लॉस हुआ स्केल्पिंग में एक बार यहाँ पर लॉस हुआ जब मैंने ट्राई करा था और एक बार जो है मेरा यहाँ पर लॉस हुआ ठीक है कितना मेरा प्रॉफिट था बाईस सौ रुपये से तीन सौ रुपये पर आ गया ठीक है मतलब नाइन्टी परसेंट प्रॉफिट मेरा चला गया उसके बाद ओ एग्ज़िट भाई सॉरी एग्जिट ही नहीं हुई गाई दो मिनट ओके अभी जो है मैंने एग्ज़िट कर दिया मेरे से शायद ना क्वांटिटी ऐड हो गई थी यहाँ पे मैं क्या किया मैंने एक मिनट देखता हूँ हाँ यहाँ पर जो है ना मैंने क्वांटिटी ऐड कर दी थी गई ये देखो ये क्वांटिटी ऐड कर दी मैंने एग्ज़िट की जगह पे 204 पे ये मेरे को दिखाई नहीं ठीक है बट कोई नहीं जो है अभी अपना प्रॉफिट जो है स्पाइक में मिल गया मुझे चार का ठीक है मान लो तीन हज़ार का ही प्रॉफिट है वो थोड़ा सा जो है गलती हो गई थी क्वांटिटी ऐड या एग्जिट करने में बट स्टिल जो है मैं बताता हूँ आपको यही जो डिस्क रिवार्ड है ना यहाँ पे मैटर करता है स्कैल्पिंग में क्योंकि यहाँ पर देखो छोटा मुझे स्टॉप लॉस में जब रिवर्सल मिल रहा था ये अच्छी कैंडल क्लोज हुई मैंने कहा ठीक है ट्रेड लेते हैं इस वाली कैंडल पर शायद जैसी हाई ब्रेक हुआ इसका वन का मैंने ट्रेड लिया और लास्ट यहाँ पे जो इस कैंडल का लो था वहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया ठीक है स्टॉप लॉस हिट हो गया एक बार मैंने यहाँ पे ट्राई किया था तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट हो गया दो बार स्टॉप लॉस हिट होने के बाद सिर्फ एक ट्रेड में जो है तीन सौ रुपये से लेके अभी आप देखो कहाँ पर चार हज़ार तीन सौ रुपये पर आ चुके हैं ठीक है सो so, यहाँ पर देखो दस पॉइंट का अगेंस्ट स्टॉप लॉस था मैंने कहा कि कैंडल अच्छी है नीचे से रिजेक्शन मिला है पूरा और आप देखो जैसी ग्रीन में टर्न हुई ना वैसी मैंने यहाँ पर जो है एंट्री ले ली थी वन सेवेंटी सिक्स के आसपास और स्टॉप लॉस कहाँ था मेरा इस कैंडल के नीचे वन सिक्सटी एट के आसपास मतलब वही आप मानो नौ दस पॉइंट का स्टॉप लॉस था और जो टारगेट हमको मिला ना मैंने यहाँ पर दो सौ दस दो सौ के आसपास बुक कराओ मतलब कि मोर देन वन इस टू थ्री मतलब थर्टी पॉइंट्स यहाँ पे मिले अपने को दस पॉइंट्स के रिस्क के अगेंस्ट में तो यही जो है रिस्क रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्कैल्पिंग में जब भी आपको रिवर्सल साइन मिले या जैसे आपको कोई पिन पॉइंट एंट्री मिले ना जहाँ पर आप समझो कि आपने एंट्री ली वहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है तो वहाँ पर स्कैल्पिंग क्या करो अगर आप सीखना चाहते हो ना स्कैल्पिंग तो आप कमेंट में टाइप करना स्कैल्पिंग मैं जो है एक दो दिन लाइव आके आपको मार्केट में बताऊंगा कि कैसे जो है हम कहाँ पे स्कैल्पिंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं किधर जो है अपने को बेस्ट एंट्री मिल सकता है अभी देखो मार्केट जो है और ऊपर जा रहा है बट अब मेरा कोई मूड नहीं है ट्रेड करने का अप ट्रेंड में ठीक है या तो यहाँ पर मार्केट जो है पूरा साइडवेज हो जाए एक दो घंटा या तो जो है थोड़ा अच्छा खासा पुल बैक दे बिकॉज आप देखो ना यहाँ पे मार्केट के प्रीमियम बहुत इन्फ्लेटेड होंगे अभी यहाँ पर जो है ना फायदा नहीं है कॉल साइड में ट्रेड करने का क्योंकि एक रेड कैंडल और जो है प्रीमियम ट्वेंटी थर्टी परसेंट तक भी नीचे आ जाएगा तो अभी जो है मैं थोड़ा सा पुट साइड में देखूँगा अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी वरना ट्रेड ही नहीं करूँगा पुट साइड में भी ऐसा नहीं है जबरदस्ती का ट्रेड करूँगा मैं बताता दो पुट साइड में जो है अपने को मस्त ट्रेड पता है कम मिलेगा देखो जैसे यहाँ पर प्रीमियम आप देखो कंटिन्यूस गिर रहा है ठीक है यहाँ पर ट्राई करा होल्ड करने का बट अगेन गिर गया यहाँ पर अब मुझे चाहिए एक रेंज में रेंज मतलब एक बॉक्स बना दे ठीक है जैसे मैंने आपको बॉक्स स्ट्रेटेजी बताई थी ना यहाँ पर थोड़ा वो बॉक्स बना दे पाँच मिनट या दस मिनट का ही ठीक है उसके बाद जैसे ब्रेक करेगा ना तब तो आपको एक स्पाइक देखने को मिलेगा ओके okay, और लोग पूछ रहे थे कि कल मंडे को आपको लॉस हुआ या मंडे को आपने वीडियो नहीं डाली तो मैं आपको दिखा देता हूँ मंडे को आप ना मेरा ये जो वेरीफाइड पैनल का लिंक है उसमें आप हिस्ट्री देख सकते हो फ्राइडे के बाद जो मंडे को डेट किया उसमें छः हज़ार तीन सौ का प्रॉफिट था वीडियो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया था बिकॉज जो है कल रक्षाबंधन था तो मैं भी फैमिली के साथ गया हुआ था बाहर घूमने और जो है रास्ते में हमने थोड़ी बहुत मतलब ट्रेड कर ली थी सो so, ये रहा मंडे का जो है मेरा 6300 का प्रॉफिट वेरीफाइड पैनल का लिंक नीचे मिल जाएगा आपको तो आप ना मेरे यहाँ पे देख सकते हो जब जब मैं डालूंगा अपडेट करूँगा इसमें डेली का तो आप डेली देखोगे अभी जैसे आज का जो भी मेरा प्रॉफिट लॉस होगा डे एंड पे तीन बजे तो वो भी मैं जो है यहाँ पर अपडेट कर दूँगा तो आप उसमें देख सकते हैं ओके गाइस सो अभी जो है ग्यारह बज रहे हैं और मार्केट जो है साइडवेज हो रखा है पूरा आप देखो साइडवेज हो रखा है और जो है प्रॉफिट अपना चार हज़ार तीन सौ चौरानवे रुपये का जो मॉर्निंग में ही हो गया था उसके बाद अब मेरा कोई मन नहीं है ट्रेड करने का बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है और मार्केट जो है वन वे पूरा ट्रेंडी हो चुका है ठीक है इसके बाद जो है अब यहाँ से पूरा जो है मार्केट साइडवेज हो सकता है और या तो पूरा वॉलेटाइल हो सकता है ट्रेंडिंग होने की प्रोबेबिलिटी फिन निफ्टी में तो कम है बैंक निफ्टी जो है थोड़ा और ऊपर जा सकता है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज यहाँ पर जो है मैं आपको ऐसी डेली लाइव लर्निंग वीडियोस दूंगा लाइव स्केल्पिंग की वीडियोस दूंगा कैसे जो है हम लाइव मार्केट में अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जल्द मिलते हैं